उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को भड़की हिंसा मामले ने बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोगों ने अब हंगामे का रास्ता अख्तियार कर लिया है। जिस तरह हरियाणा में जगह जगह भाजपा के कार्यक्रमों में विघ्न डाला जाता है, क्या अब उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बवाल मचाने की योजना बनाई गई है? आखिर क्यों किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे लोग कथित रूप से भिंडरावाले की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने हुए थे? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश है? आज की इस रिपोर्ट में इन सब मुद्दों पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को पुलिस ने लखीमपुर खीरी जाने से रोक दिया, जिसका विरोध करते हुए वह लखनऊ में अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए और सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच कुछ लोगों ने वहां खड़ी एक पुलिस जीप को आग लगा दी। धरने पर बैठे अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ अमानवीय बर्ताव करने का आरोप लगाया। कुछ देर बाद पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया और वहां से चली गई। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी, तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है, उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है, उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खासकर लखीमपुर खीरी जाने वाले मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ताकि वहां माहौल किसी भी प्रकार से तनावपूर्ण नहीं होने पाए। बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या किए जाने से लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं आज तड़के मौके पर जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को रास्ते में सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रियंका वाड्रा तथा कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा समेत कुछ वरिष्ठ नेता लखीमपुर खीरी जा रहे थे, तभी तड़के करीब 5 बजे रास्ते में उन्हें सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर प्रियंका वाड्रा से धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस महासचिव किसानों का दुख दर्द बांटने जा रही थी और उन्हें इस तरह से रोका जाना अलोकतांत्रिक है। वहीं प्रियंका वाड्रा को हिरासत में लिए जाने का विरोध करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका पीछे नहीं हटने वाली हैं और हम इस अहिंसक लड़ाई में अन्नदाताओं को जिता कर रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, प्रियंका मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं, न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। उधर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने पुलिस प्रशासन पर उन्हें लखीमपुर खीरी जाने से रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रशासन ने उन्हें नोटिस थमाया है, जिसमें कहा गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर वह लखीमपुर खीरी नहीं जा सकते, लिहाजा उन्होंने वहां जाने का इरादा छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी देर रात लखीमपुर खीरी जाने से रोक दिया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी जाने के लिए लखनऊ आ रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा को स्थानीय चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया है। प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्राधिकरण को रविवार देर रात लिखे पत्र में कहा है कि लखीमपुर खीरी जिले में रविवार को हुए संघर्ष की घटना के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। उन्होंने पत्र में कहा है, इसके दृष्टिगत अनुरोध है कि कृपया छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और पंजाब के उप मुख्यमंत्री को चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ पर आगमन की अनुमति
नहीं प्रदान करें। उधर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि किसानों का भेष धर कर आंदोलन करने वाले विपक्ष से हाथ मिलाकर उसकी तरह काम करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। दिनेश शर्मा ने कहा, जो असली किसान है वह देश का नागरिक है और देश हित में, राष्ट्र हित में सीमा से लेकर हर जगह कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। लेकिन जो विपक्ष में बैठकर किसान का ठप्पा लगाकर आंदोलन करने पर उतारू हैं, वह कभी कामयाब नहीं होंगे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और उनके बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। टिकैत ने सोमवार तड़के संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार से उनकी मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने के आरोप में मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने सरकार से इस घटना में मारे गए किसानों के परिजन को अनुग्रह राशि के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए तथा आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। टिकैत ने कहा कि ये मांगे पूरी होने के बाद ही मृत किसानों का दाह संस्कार किया जाएगा। दूसरी ओर लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि लखीमपुर हिंसा मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। उधर इस मामले में विपक्ष तो राज्य सरकार पर हमलावर है ही। भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने भी लखीमपुर खीरी के तिकोनिया क्षेत्र में हुई हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर घटना के संदिग्धों को तत्काल चिन्हित कर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में CBI से जांच कराने की मांग की है। घटनास्थल खीरी जिले के पड़ोसी संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने सोमवार को मुख्यमंत्री को लिखा अपना पत्र ट्विटर पर साझा किया, जिसमें उन्होंने घटना की CBI जांच की मांग के साथ ही पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा दिए जाने की भी सिफारिश की है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के विरोध में रविवार को वहां के आंदोलित किसानों ने उनके पैतृक गांव बनबीरपुर में आयोजित एक समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जाने का विरोध किया और इसके बाद भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मृत्यु हो गई। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा जिस SUV में सवार था उसी ने किसानों को कुचल दिया। हालांकि अजय कुमार मिश्रा ने आरोप को खारिज किया है। दूसरी ओर इस मामले में प्रभा साक्षी संवाददाता ने लखनऊ में विभिन्न पार्टियों के नेताओं से बातचीत की, जिन्होंने राज्य सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं। जब सरकार का रुख तानाशाही जैसा हो जाता है, बर्बरतापूर्ण हो जाता है, तो कोई लोकतांत्रिक तरीके से काम ही नहीं कर सकता। शांतिमय तरीके से जा रहे थे, वो हत्याएं हुई हैं किसानों की, वहाँ पुलिस के द्वारा हत्याएं हैं। इस प्रशासन जिम्मेदार है, मंत्री उपमंत्री जिम्मेदार, उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, गृह राज्य मंत्री जिम्मेदार हैं, तो उनके परिवार वालों से मिलने तक ना जाना दिया। ये तो तानाशाही की पराकाष्ठा है, बर्बरता है। सरकार की जो नीति चल रही है रात से लेकर अभी तक, पुलिस लखनऊ एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया, सबको नज़रबंद कर दिया गया है, सपा सरकार क्या गिरफ्तारी करके ही शांत हो जाएगी? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से जो भी विरोध के तरीके हो सकते हैं वो सब तरीके अपनाए गए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।